नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज। बुजुर्ग विधवा महिला के मकान पर दबंगों द्वारा कब्जा कर फर्जी रजिस्ट्री बनवाकर बेचने की धमकी दी जा रही है। विदिशा जिला सिरोंज निवासी बुजुर्ग विधवा महिला निसार बाई पति अब्दुल कयूम मकान नंबर नया 33 पुराना 53 वार्ड नंबर 3 गली दरियावाला हाजीपुर ने बताया कि मेरे पति के देहांत के बाद मकान के किराए से मेरा इलाज एवं घर का खर्च चलता था। मैं मेरे छोटे बेटे के साथ रहती हूँ, इंदौर नंदन नगर, वही देखभाल करता है। सिरोंज में मेरे मकान पर भूमाफिया मोहम्मद अलीम पिता सलीम ने कब्जा कर फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्री बनवाने की तैयारी की है। मेरे मकान पर कब्जा कर छत को तोड़ दिया गया, जबकि मकान के सभी कागजात मेरे पति अब्दुल कयूम के नाम पर मौजूद हैं। बुजुर्ग महिला ने लिखित आवेदन शिवराज सिंह चौहान और थाना प्रभारी सिरोंज के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। हाँ बताओ, क्या हुआ आपके साथ में? किस भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया आपके जो सिरोंज में? मेरे मकान में कब्जा कर रहा मेजमानी से, और मैंने मुख्यमंत्री को शिकायत कर दी और मेरा बात कोई नहीं करता। 5 से टूट गए बैठी है 15 साल 10 साल। और बताओ आगे के आपके जो कब्जा किन लोगों ने किया? कब्जा किन लोगों ने करा? हलीम और सलीम। हाँ हलीम, मोहम्मद अलीम, पिता सलीम बोलो। हाँ मोहम्मद अलीम और सलीम। तुम्हें तुम्हारा मकान अलीम मोहम्मद सलीम, इन लोगों ने मेरे मकान में कब्जा कर लिया और मेरी टांग टूट गई, बीमार पड़ी है 4 साल 3 साल से, इलाज नहीं, मेरे मकान किराए से नहीं, दवा खाती थी, इलाज होता था मेरा। आपको क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं ये चाहती हूँ मुझे मकान वापस मिल जाओ और आरोपियों पर कार्रवाई हो। हाँ कार्रवाई हो जाए।